हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा टेक्नो फ़ोन है, तो टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ब्राइटनेस लेवल सेटिंग है, तो ब्राइटनेस लेवल सेटिंग को आप सेट कैसे कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में ब्राइटनेस लेवल सेटिंग है, तो ब्राइटनेस लेवल सेटिंग को सेट कैसे कर सकते हैं। सिंपली फ़ोन सेटिंग शो हो रही है, तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है ब्राइटनेस लेवल सेटिंग। तो ब्राइटनेस लेवल सेटिंग को हमने ओपन कर लिया है। ओपन करते ही यहाँ से आप सेट कर सकते हैं ब्राइटनेस लेवल सेटिंग को। सिंपली आप उस पर जाते हैं, तो यहाँ से अपने ब्राइटनेस लेवल को आप मैन्युअली यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप जितने की सेट हो जाएगा, या तो आप ऑटो पे सेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो ब्राइटनेस लेवल है हमारे फ़ोन में एडजस्ट होगा। दिखते हैं, जैसे हम इसको यूँ कर देंगे तो हमारे फ़ोन में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस लेवल सेटिंग को सेट कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन की सर्चिंग सेटिंग पे जाकर। और साथ में जैसे अगर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, तो आप फ़ोन की डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग्स पे जाकर भी ब्राइटनेस लेवल सेटिंग को सेट कर सकते हैं। सिंपली फ़ोन सेटिंग शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग शो हो जाएगी। तो जो हमारी फ़ोन की ब्राइटनेस लेवल सेटिंग है, तो ब्राइटनेस लेवल सेटिंग को सेट कैसे कर सकते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पर आपको लिख देना है ब्राइटनेस, या सिंपली आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस सेटिंग्स पे चले जाना है। तो हमारे पास सेटिंग यहाँ पर शो हो जाएगी। तो यहाँ से इसको आप सेट कर सकते हैं। जैसे हमने इसको डाउन कर दिया, तो ऑटो पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। आप देखते हैं यहाँ से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाती है। तो इस तरीके से आप ब्राइटनेस लेवल सेटिंग को आप सेट कर सकते हैं अपने टेक्नो फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।